fucking hands up. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, लेमन स्क्वाश बनाएंगे। तो इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी रेसिपी है, आज आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को देखो लास्ट तक और एंजॉय करो। तो गाइज, आपको पहले लेमन को अच्छे तरह से धोना है। उसके बाद इस तरह आपको दो पीस में उसको कट करना है, ठीक है? तो उसको दो पीस में कट करना है क्योंकि आपको जूस निकालना है इसका, ठीक है? तो यहाँ पर आ सकते हो, संतोष हमारा यहाँ पर जूस निकल रहा है। अच्छे तरह से आपको जो भी जूस है उसको अच्छे तरह से यहाँ पर निकाल देना है। एक बिकर में हम लोगों को लेना है 250 ml हम लेमन जूस ले रहे हैं। टमाटर सॉस मिक्सम, ओके। आज इनके पैर दर्द कर रहा है, तो जिसको कर्मा का फल मिल गया है, क्या है जो ये है मिक्स फ्रूट जाम, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब टेस्ट करके बताइए कि सागर का कैसा लग रहा है, कैसा है आपको, कैसा लग रहा है? ठीक है, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा, ठीक है ना। ये है सागरिका, ये अभिप्सा बासुंदिका, कैसा लग रहा है? तेरे को कैसा लगा फ्रूट जाम? अच्छा था, अच्छा था। आज हम बना रहे हैं नींबू पानी, भूख लग गया तो कच्चा नींबू खाए। ये खा के पूरा नशा होता है, ऊपर से नीचे खाली हो। हाय फ्रेंड्स, नींबू खा लो। इंट्रोड्यूस है अंकिता लोपामुद्रा, सब कुछ छोड़ी पटाता है, छोड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको अच्छे तरह से हम लोगों को फिल्टर करना है क्योंकि उसका जो सीड होता है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको हम लोगों को फेंक देना है। तो गाइज, हम लोग ले रहे हैं 250 ml जो जूस है, उसके लिए 500 ग्राम हम लोग ले रहे हैं। जो चीनी होता है, जो शुगर है, वो ले रहे हैं 500 ग्राम। और जो पानी हम ऐड करेंगे इस शुगर में 250 ml, ठीक है? तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग अभी जो शुगर हम लोग लिए उसको यहाँ पर डाल रहे हैं। जो इसके लिए डाल रहे हैं कि हमको जो शुगर का जो सिरप होता है वो हम लोगों को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरह से उसको स्टायर करना है क्योंकि जो सिरप है वो अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है? तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका ऊपर जो जो सरफेस में व्हाइट जो भी पार्ट आ रहा है उसको आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है? तो उसको जो निकाल देंगे उसके बाद ही वो जो सिरप है अच्छे तरह से बनेगा, ठीक है? उसके लिए आप लोगों को वो निकालना है। तो गाइज, पहले आपको एक कप में थोड़ा पानी लेना है, उसके अंदर ये जो सिरप है डालना है। वो अगर नीचे बैठ जाएगा तो आपका जो सिरप है वो ठीक से बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैम हमारे टेस्ट कर रहे हैं। लंबू चुरो नहीं पड़ेगा। ये अंकिता जो कि ये लेके भाग रहा है, देख सकते हो। अंकिता देखिए, अंकिता ये है लोपा मुद्रा, ये है श्यामला और ये है बबली। बबली बबली हाई कर दे। सर्वानी, ये है सौम्या, हाई कर दे। ये है बालकृष्ण, ये है बालकृष्ण, ये है संतोष रेड्डी। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो लेमन जूस था और शुगर का जो सिरप था, उस दोनों को साथ में यहाँ पर एक पतीले में हम लोग डाल रहे हैं। नीचे जो भी मटेरियल आ रहा है वो है हमारा जो लेमन का जो स्क्वाश है, ठीक है? तो इस तरह से आपको अच्छे तरह से करना है तो वो स्क्वाश अपने आप बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो लेमन स्क्वाश है वो रेडी हो चुका है। अभी एक बोतल में आप यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग इसमें डाले। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल है अभी ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा पानी डाल के हम लोग उसको जो मिक्स कर रहे हैं, बहुत टेस्टी। ये सूरज है, टेस्ट करके बताएगा आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है इधर? बहुत सही है, मेहनत लाया बोल और बोलने से सुबह से मतलब थोड़ा क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत का फल है, मीठा ही लग रहा है। ओके,
पठान कैसा लगा? एकदम ठीक है भाई। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप से मुझे हमारा प्रैक्टिकल था अभी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसका जो प्रैक्टिकल था वो अभी खत्म हो चुका है, लेमन स्क्वाश, ठीक है। तो उसका खत्म हो चुका है, अभी क्लास जाना है। तो चलिए लोग, ये मेरे भाई लोग के भाई दोस्त, ये परेश, ये रितेश, ये निर्मल छेले, ये विकास, ये आशीष, ये काना सूरज, सूरज ये शिवाशीष, ये हमारा क्लासरूम। हाय, तो गाइज आज का जो रेसिपी था आप लोगों को ये जो वीडियो और ये प्रोसेस जो भी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी तक वीडियो को देख लिए तो एक लाइक भी कर दो, मेरे को अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.